अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। हाथरस गैंग रेप का व्यापक विरोध हो रहा है। पुलिस द्वारा बिना रीति रिवाज परिजनों के बिना पीड़िता के शव का जबरन अंतिम संस्कार करने की भी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन के अलावा मेरठ में आज सुबह से ही सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। शहर की सफाई व्यवस्था का चक्का जाम कर दिया गया है। वहीं यूपी की सियासत भी एकाएक ही गर्मा गई है। गुरुवार को दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर गिर पड़े। गुरुवार दोपहर दिल्ली से कुछ दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। बता दें कि प्रशासन ने हाथरस की सीमा को सील कर दिया है और वहां धारा 144 लगाई गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे तन पर पड़ा लाठी का एक एक वार अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। राहुल और प्रियंका गांधी के काफिले पर चल रही लाठियां भी योगी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें एक्सप्रेस वे पर गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। उधर मेरठ में आज शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी गई। नगर निगम में काली पट्टी बांधकर सफाई कर्मचारियों ने दोपहर 2 बजे धरना दिया। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं कर्मचारी। यूपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हाथरस वाली घटना को लेकर हम लोग आंदोलन पे आज सुबह से सफाई का चक्कर जाम है, क्योंकि जब तक घटना तो हो गई, चार लोग दो गिरफ्तार भी हुए। देखिए, गिरफ्तार जो हो टुकड़ों में हुए, बारी बारी से गिरफ्तार, उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं गया? जिस दिन घटना घटी, अगली घटना घटी, आज पूरा देश प्रदेश के अंदर यह धरना प्रदर्शन नहीं होता। गुनहगारों को पूरा छूट दी गई, उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है। आज वो बेटी जो मरी, इस शासन हाथरस के शासन प्रशासन वो प्रदेश सरकार की वजह से वो बेटी मरी है, जिसकी घर उजला है, उससे बुजुर्ग माता पिता से बुजुर्ग जिसने पैदा की वो पैदा हुई जवान बेटी वो मर गई, उस पर उस घर पर क्या बीती होगी ये तो वो बताएगा। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस बेटी की के लिए, जब तक उसको पूरा इंसाफ नहीं मिल जाएगा ये बराबर प्रदर्शन हम लोगों का जारी। और आज मैंने हाई कोर्ट में अपील अपनी दायर कर दी है उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। चारों को फांसी की सजा हम लोग दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें कौन सी भी हर्जा, चाहे हमें किसी भीख भी मांगनी पड़ जाए।